हेलो फ्रेंड, बॉलीवुड मेंटेनमेंट में आपका स्वागत है। ये देखिए हमारे साथ है ऑटो वाले अंकल और अभी ब्रह्मास्त्र देख के आए हैं। सर बताइए कैसी लगी? नंबर वन। मूवी की क्या स्टोरी के बारे में, क्या सी स्टोरी है, क्या है स्टोरी? अगर मैं बता दूंगा तो पब्लिक को देख के मतलब क्या है। सस्पेंस तो रखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि बॉलीवुड में आज तक जितनी भी मूवी फ्लॉप रही उसका जो है पूरा याज ब्याज जो भी है, भेदभाव दंड सब मिला उला करके ये मूवी निकाल लेंगे। पहली बात, क्योंकि 12 साल की मेहनत है और जो कि जो भी इस बंदे ने ये किया, आहन मुखर्जी, बहुत अच्छी तरह से, मतलब जो भी स्केल क्या बोलते हैं सब कुछ उसने सही तरीके से सोच सोच करके मतलब ये डायरेक्शन किया है। मानना पड़ेगा कि पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी मूवी बनाई, बहुत अच्छा लगा। स्टोरी के बारे में मतलब बोलेंगे तो आपको केमिस्ट्री कैसी लगी रणवीर आलिया? देखो केमिस्ट्री क्या है कि इसके अंदर मुझे कुछ मूवी याद आ गई, जैसे अभी हॉलीवुड वाले जो दिखाते हैं ना कि एक बार मूवी स्टार्ट हो गई, अगर कोई शैतान पीछे पड़ा है तो लास्ट तक पड़ा रहे, वैसी इसके अंदर बताया। ब्रह्मास्त्र कोई उनके पीछे पड़ा है, ब्रह्मास्त्र लेने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, मतलब किसका कौन कौन बीच में आता है, उनको ख़त्म करने आता है, तो मतलब ये फास्ट करके ऐसी मूवी बड़ी है बनाई गई है। और ये जो है मतलब है हॉलीवुड बोले, मतलब हॉलीवुड के तरह मतलब एक मूवी और आई थी लास्ट में इंटरवल के बाद जो है जो बताया गया, हैरी पॉटर करके एक मूवी आती थी जिसमें जादुई छड़ी का, उसकी थोड़ी याद आ गई, थोड़ा इसके अंदर वो भी बनाने की कोशिश की है। तो लग रहा है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये अस्त्र जो है लंबा तक अस्त्र रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि कंटिन्यू ये सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। अमिताभ बच्चन और नागार्जुन और शाहरुख खान, कैसा? देखिए शाहरुख खान की फर्स्ट एंट्री है और 10-15 मिनट तक उन्होंने अच्छा काम किया, और एक जो है वो साइंटिस्ट रहते हैं उसके ऊपर, वहाँ से मूवी स्टार्ट होती, थोड़े टाइम के बाद जो है रणबीर कपूर, फिर उसके बाद नागार्जुन भी ज़्यादा 10-15 मिनट वो भी काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। तो मैं यही बोलूँगा कि इतने दिन के बाद जो है पब्लिक जो बोल रही थी कंटेंट स्टोरी बॉलीवुड वाले कोई मूवी अच्छी देते नहीं, समझ में नहीं आता है, ये उस तरह का मतलब ये मूवी बनाया गया है कि पब्लिक पसंद करेगी और सीट से नहीं उठेगी, क्योंकि मैं स्वयं नहीं उठा। तो ये ऐसी मूवी बनाओ, ऐसी कंटेंट बनाओ, पब्लिक बैठे और मूवी देखे, तो बहुत अच्छी है। अरे बहुत ज़बरदस्त, वही बोल रहा हूँ ना, 12 साल की मेहनत है, तो मेहनत तो रंग लेके आएगी ना, तो ये मेहनत है। अमिताभ बच्चन सर इतने एज में काम कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, और नागार्जुन अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह के बाद ये दूसरी एंट्री है, बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा, और इसके अंदर जो रणबीर कपूर जो नाचते हैं बहुत अच्छा लगा। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगा कि ये मूवी कुछ ना कुछ तो बॉलीवुड में थोड़ी नींव रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि गणपति का आशीर्वाद मिल चुका है ये इस मूवी को। मैं यही चाहूँगा कि और एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उनसे यही निवेदन करूँगा कि पब्लिक के बारे में कुछ अब रह करके अनाप शनाप मत बको, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड हर एक्टर मिल के रहो, हफ्ते में साथ में बॉलीवुड की 10 पिक्चर 2 पिक्चर रिलीज मत करो, क्योंकि नुकसान आपका ही है, दूसरा नहीं। हम लोग तो पब्लिक है, 100 मारे दूसरा, तो नुकसान किसका है? आपका है, तो ये मत करो। अगर एक मूवी बड़ी आ रही है तो आप मत आगे पीछे आ जाओ, और दोनों मिलकर के सपोर्ट करो, तब आपको कोई नहीं आपको सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होने से रोक सकता है। ये मूवी चलेगी तो ब्लॉकबस्टर होना तय है, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अच्छी लगी भाई, और मैं यही बोलूँगा हर एक फैमिली को, आओ और ये इस मूवी का लुत्फ उठाओ, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। स्टार कितना देना चाहिए? पाँच स्टार, क्योंकि 5 स्टार मिलना ही चाहिए, क्योंकि गणपति का आशीर्वाद, तो भाई बॉलीवुड की जय हो गई, तो जय हो बॉलीवुड, चल पड़ी आपकी बस, यही आगे जो है आप कुछ गलतियाँ मत करो।